दोस्तों Redmi की तरफ से अपकमिंग आने वाली सीरीज Redmi Note 10 सीरीज होने वाली है। कंपनी को भी काफ़ी एक्साइटेडमेंट इसको लॉन्च करने की और फैंस को भी काफ़ी ज़्यादा इंतजार है इस Redmi Note 10 सीरीज का। ये क्या कुछ कमाल का माल मसाला हमें इस Redmi Note 10 सीरीज में देखने को मिलेगा, कई रोड यानी जो Note 9 सीरीज है उसमें से इसमें कुछ खास अपडेट हो गए या फिर नहीं हो गए, तो इसके बारे में मैं आपको इसके आज की वीडियो में डिटेल वगैरह देने वाला हूँ। और कुछ लीक स्पेसिफिकेशन भी हमारे पास सामने आ गई जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल की वीडियो दोस्तों ये होने वाली, तो इस वीडियो को फटाफट से शुरू कर दे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो तो क्या कर रहा है वो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लो ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, जो लीक स्पेसिफिकेशन सामने है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो इसमें जो कैमरास देखने को मिलने वाले वो तो पता ही नहीं कि अभी तक कितने हमें यहाँ कुछ कितने का कैमरा देखने को मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जिसमें हमें प्राइमरी कैमरा देखने को मिलने वाला है वो 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। जी हाँ, 108 मेगापिक्सल का हो सकता है। अभी तक लीक है, कन्फर्म नहीं है दोस्तों, कंपनी की तरफ से अभी तक कुछ भी कन्फर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन लीक्स में बताया जा रहा है। और जो लीक्स वगैरह आती रहती है दोस्तों वो ज़्यादातर सच होती है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस वगैरह होते रहते हैं। साथ ही अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर हमें फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और अभी तक लीक्स में ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें 120 की रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकती है। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये तो कंफर्म ही हो सकता है कि यहाँ पर हमें 120 की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाए, और मेरे ख्याल से मिलने ही वाली है। और अभी तक यहाँ पर हमें पता नहीं है कि यहाँ पर हमें पंचोली देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर यानी कि 70-80% चांस है कि यहाँ पर हमें पंचोली देखने को मिले। अब ये भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर हमें साइड में देखने को मिलेगा पंचोली या फिर मिडिल में या फिर यहाँ पर हमें डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा या फिर सिंगल ही देखने को मिलेगा, वो तो हमें आने वाले टाइम में पता चलने ही वाला है। अगर प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हमें कंपनी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ही देने वाले जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर जैसे अभी तक पहले कुछ खबर आई थी यहाँ पर हमें 730G वाला चिपसेट देखने को मिल सकता है, लेकिन अब कुछ खबर निकलने का यहाँ पर चेंज हो गई कि पता जा रहा है कि यहाँ पर हमें 750G वाला स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और साथ ही बताया जा रहा है दोस्तों कि जो चिपसेट होने वाला है 5G को भी सपोर्ट कर सकता है। और कंपनी यहाँ पर हमें शायद 4500 mAh की बैटरी दे सकती है। और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग यानी जो चार्जर है वो कितने वाट का होगा ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन लीक्स में बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें 33 वाट का चार्जर देखने को मिल सकता है। अब वो तो हमें आने वाले टाइम में सब लीक्स वगैरह कन्फर्म है कि नहीं, ये तो हमें सामने आना ही वाला आएगा। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि कंपनी स्मार्टफोन को लगभग 15-16 हज़ार के आसपास लॉन्च कर सकती है जिनका बेस वेरिएंट होगा। और साथ ही में दोस्तों और कुछ जिनके लीक्स वगैरह सामने तो नहीं आई, और ये कन्फर्म लीक्स हैं दोस्तों, इनको कन्फर्म मत समझिएगा, ये केवल लीक्स है ये जो कि यानी कि जो निकल दे रही थी खबर वही आएगी दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको थोड़ी बहुत ये लीक्स वगैरह जानकर क्या लगा है आपके साथ दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हो साथ में टेक्निकल। मैं मिलता हूँ किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।